अस्सलाम वालेकुम माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आर लेक्चर विथ प्रेयर. रब्बी जिदनी इल्मा. स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर वेज ऑफ क्लास 5. इट्स पेज नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड यू हैव सम एक्टिविटीज. दीज आर गिवन इन इन दिस चैप्टर. लेबल द कंप्यूटर एंड डिवाइसेज. मैच द कंप्यूटर टू द डिवाइसेज दे यूज्ड. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, students, we are going to sum up our chapter number 1 in the form of few short question answers. So let us start. State 3 differences between mainframe and mini computer. Mini computers are very powerful computer with large storage capacities. Main computers ki power bahut zyada thi aur memory bhi bahut zyada thi. 100 of people can use a mainframe at a same time, but mini computer few users at a time. मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर एक वक्त में बहुत से यूज़र्स काम कर सकते थे, बट मिनी कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ कुछ, विच मीन्स कि बहुत कम यूज़र्स एक वक्त में काम कर सकते हैं. बैंक एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ मेन फ्रेम एंड आर यूज्ड इन मीडियम साइज कंपनीज. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूजर्स का डाटा उन्होंने डील करना होता है. दैट्स वे दे यूज बिग कंप्यूटर्स. व्हाई डिड वैक्यूम ट्यूब नीड टू बी रिप्लेस्ड. वैक्यूम ट्यूब्स नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बिकॉज दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे ऑफन गेट ओवर हीटेड एंड ब्रोकन डाउन. एक तो प्रॉब्लम यह था कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती थी, ओवर हीट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो काम करना भी बंद हो जाती थी. Which device are used in second generation of computer? Was it successful venture? So second generation में कौन सी technology use होती थी? We know, we talked about it in our lectures. That was transistor. Transistor were used in second generation computer. These were successful because large companies bought them as they were faster and more efficient. इनको use करना बहुत successful था क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ काम करते थे और बहुत efficient थे. What is circuit board? A circuit board is a board on which IC chips are placed. जहाँ IC chips को हम place करते हैं, that board is known as circuit board. A circuit board also has a network of circuits connecting the different chips to each other. और एक board, circuit board के ऊपर भी बहुत सारे network of boards होता है जो कि different chips को आपस में जोड़े रखते हैं. So students, this is the end of chapter number 1. Follow all the lectures and read carefully so that you can understand each and everything. Allah Hafiz, be blessed.